हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का ये ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है मॉर्निंग से और यहाँ पर मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन। तो अदरक वाली चाय और सैंडविच बनाऊंगी साथ में। और हाँ, मुझे किसी ने कमेंट किया था कि मेरी बैंगल्स बहुत अच्छी लग रही है, तो मैंने ऑनलाइन परचेज की हो तो मैं लिंक दे दूँ। बट आप सबको बता दूँ कि मैंने ये जो है मार्केट से ही ली है, जो चूड़ी वाली शॉप होती है ना, अगर आप वहाँ जाओगे तो आपको इतनी सुंदर सुंदर बैंगल्स देखने के लिए मिलेंगी कि बहुत कलर एंड डिजाइन मिल जाते हैं, जो कि हमें मतलब पसंद आ ही जाते हैं। और लेडीज के साथ वैसे भी होता है कि जब कभी हम मार्केट जाएं तो एक की बजाय चार चीजें वैसे भी पसंद आनी ही होती हैं। और चूड़ी हो गई, साड़ी हो गई, सूट हो गए और ज्वेलरी हो गई, मतलब ये तो सब कुछ एक कॉमन सी बात है जो कि लेडीज को सबको ही बहुत अच्छी लगती है। तो ये बैंगल्स लिए मैंने मार्केट से और यहाँ पर ये सैंडविच मेरे बनकर रेडी हो गए हैं। चाय भी बन गई है तो चाय मैंने छान ली है। और जब कभी मुझे ज़्यादा लोगों के लिए सैंडविच बनाने होते हैं तो मैं इसी तरीके से एक बड़ा वाला तवा है ये मेरा, उसको रख देती हूँ। तो एक बार में चार चार सैंडविच बन जाते हैं। तो यहाँ पर एक बार मैंने चार सैंडविच बना लिए हैं। सेकंड राउंड में फिर से सैंडविच का यहाँ पर रख रही हूँ तवे पर। और सबको जैसे जब ज़्यादा लोग हों घर में तो आप इस तरीके से गैप फिर ज़्यादा जैसे इकट्ठे हो जाते हैं ना, कोई काम काज होता है तो फिर आप आसानी से ऐसे बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ये घी वगैरह सब लगा दिया है और बस ये मेरे सैंडविच बन के रेडी है। आ जाइए आप सब, गर्मा गर्म सैंडविच एंड चाय आप सबके लिए है ये। और बस यहाँ पर मैंने मम्मी को इनको सबको दे दिया है नाश्ता। तो मम्मी यहाँ पर कर रही थी नाश्ता, तो इसी वजह से कोई डाइनिंग टेबल पर नहीं जाता है। सब लोग मम्मी के साथ इसी रूम में खाना पीना पसंद करते हैं। तो मामी, मम्मी एंड ये तीनों लोग करेंगे नाश्ता। और इसके बाद अभी ब्रेड खत्म हो गई है तो मैंने मेरे लिए बना लिया है बर्गर के ये वाला पाव होता है ना, इसमें आलू भरकर इस तरीके से। और थोड़ी देर के बाद मैं फिर से आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर मैं बना रही हूँ पूड़ी। पूड़ी मैंने नमक अजवाइन का आटा लगा रही हूँ ये। और जो मामा जी एक आए हुए हैं उनको जाना है तो मम्मी ने बोला है कि मैं उनके लिए यहाँ पर पूड़ी बना दूँ। तो मैं ये पूड़ी बनाने के लिए आटा लगा लिया है और मैं यहाँ पर पूरे आटे की लोइयाँ बना लूँगी। हाथ जो गंदे होते हैं ना, मुझे लगता है एक बार में ही सारा काम कर लो। तो लोई काट के रखने का सेकंड फ़ायदा ये भी होता है कि हाथ गंदे नहीं होते हैं, सेकंड ये है कि पूड़ियाँ हमारी बहुत जल्दी बन जाती हैं। बार बार अगर आप एक लोई उठाओगे, काटोगे, फिर आप बेलोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन अगर इस तरीके से काम करो ना तो काम मतलब बिल्कुल चुटकियों में ऐसे हो जाता है, आप ये समझ लीजिए। तो यहाँ पर बस जो लोई मैंने काट के रखी थी उनको मैंने पहले गोल कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर बस थोड़ी सी पहले 10-12 पूड़ियाँ मैं सेक कर रख लूँगी। और इसके बाद मैंने ये जितना भी आटा लगाया था मैंने सारी ही पूड़ियाँ सेक ली हैं एक बार में ही। लेकिन जैसे मैं पहले क्या करती हूँ, फर्स्ट राउंड जो होता है उसके लिए मैं पहले 10-12-15 पूड़ियाँ एक बार में बेल के रख लेती हूँ। और कढ़ाई जो होती है एक बार में गर्म हो जाती है, फिर उसके बाद वन बाई वन करके ना बहुत स्पीड में हमें सेकनी होती है। और पूड़ियाँ फिर तभी अच्छी बनती है जब हमारी जैसे गैस में जैसे हीट वगैरह हम सही रखते हैं पूड़ियों के लिए। और यहाँ पर ये हमारी फुली फुली पूड़ियाँ बन के तैयार होने लगी हैं। तो बस फटाफट से मैं यहाँ पर पूड़ियाँ बनाकर तैयार कर लूँगी। तो एक बार में मैंने कितनी बेली थी मुझे नहीं पता। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे हम 10-12 सेक लेते हैं फिर उसके बाद कढ़ाई थोड़ी धीमी पड़ जाती है। और फिर क्या होता है कि जैसे बेलते जाओ, कढ़ाई में डायरेक्टली डालते जाओ, सेकते जाओ, निकालते जाओ, तो ऐसे काम करना ना बहुत आसान हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने पूड़ियाँ बनाई, पूड़ियों को पैक कर दिया है। इसमें एक पानी की बॉटल और डालूंगी और ये दूंगी मैं जाके मामा जी के लिए भी। तो वो वाले मामा जी चले गए हैं लेकिन अभी हमारे एक और मामा जी आ गए हैं मामी को बुलाने के लिए। तो मामी ने कब इनको फ़ोन किया हम लोगों ने भी नहीं जान पाया। बोल तो मतलब वो बहुत दिन से रही थी कि मतलब चली जाएंगी वो नानी के यहाँ पर। एक्चुअली नाना जी की तबीयत ख़राब है तो उनको देखने जाना है। तो मामा जी आ गए हैं मामी को लेने के लिए और यहाँ पर ये मामी हो चुकी हैं रेडी अपना साड़ी वाड़ी पहन के। और जब मामी रेडी होंगे तब मैंने बोला आपकी और मामा जी की टी शर्ट का कलर एक जैसा है। तो लंच अभी मामा जी ने, मामी ने, हम सब ने कर लिया है। तो जो है पहले पूड़ी बना रही थी फिर लंच भी रेडी किया और ये चलिए आशीर्वाद भी ले लिया है इन्होंने मामी से। तो हम सब जा रहे हैं मामी को भेजने के लिए बाहर की तरफ। तो
तो मामी को छोड़कर आएंगे बाहर। और हाँ देखिए, किसी ने कमेंट किया था कि मामी को पैरों में तकलीफ है, पैरों में दिक्कत है, तो हाँ उन्हें पैरों में दिक्कत है और इसी वजह से। और यहाँ पर बस मामी से मामी ने जो है हम लोगों से विदाई ले ली है, और इतने दिन से वो जाने के लिए बोल रही थी लेकिन हम लोग उनको जाने नहीं दे रहे थे कि अभी थोड़े दिन रुक लो। और उन मामी को बहुत अच्छा लगता है हमारे घर पर हम सबके साथ, तो मामी बस यहाँ पर जा रही है बाहर, और बाहर जो मामा जी की बाइक खड़ी हुई है तो बाइक से वो चली जाएंगी। और मैंने यहाँ पर मामी को बोला था कि आप पल्ला मत करो, और जैसे मम्मी है, अब मम्मी का भी ओल्ड एज है बहुत ज़्यादा, तो मैं मम्मी को भी मना करती हूँ मम्मी आप मत किया करो, क्योंकि होता क्या है जैसे बाइक पर बैठो तो उतना, जैसे हम लोग हैं तो अपना संभाल लेते हैं सब कुछ, लेकिन थोड़ा सा ओल्ड एज में प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैंने यहाँ पर मामी को पूछ रही थी कि मामी आपने अपना बैग ले लिया, और देखो मामी यहाँ पर अपना बैग भूल गई थी, ना तो ये लाए ना मामा जी लाए उठा के, मुझे लगा ये लोग ले गए हैं, और थोड़े गीले कपड़े थे वो तो रह ही गए, वो उनको याद ही नहीं रहा। उन्होंने बोला कि अभी वापस आएंगी तब ले लेंगी आकर। और यहाँ पर जो है मामी के जाने के लिए हम लोग खड़े हुए हैं कि जब वो चली जाएंगी तभी हम लोग अंदर जाएंगे, तो अभी मैं यहाँ से थोड़ा और आगे जाऊंगी। और ये मामी की नंद का मतलब ससुराल है, इसलिए मामी पल्ला करती है, बोल रही थी कि नहीं, हम सर पे पल्ला करके ही जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। तो ये देखिए पूरा इस तरीके से पल्ला करके गई है। और यहाँ पर सच में उनको ना चलने में ही दिक्कत है, ना आप लोग भी कैमरे पर देख सकते हो, तो कमेंट का जवाब मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है, आप लोग भी देख सकते हो, बहुत ही तकलीफ से मतलब सब कुछ हो जाता है, लेकिन वो अपना सब कुछ हैंडल कर लेती हैं जैसे भी है, बहुत हंसते हंसते, कि ऐसा नहीं है कि इसी चीज़ को पकड़ कर बैठी रहें, जितनी तकलीफ में वो रहती हैं वो झेल लेती हैं, सब कर लेती हैं, इतनी तकलीफ किसी और को हो तो आदमी शोर मचा के रख दे कि हमें ये तकलीफ है ये तकलीफ है। तो यहाँ पर बस मामा जी से मामी से इन्होंने थोड़ी देर बात की, और ये देखिए दोनों के कपड़ों का कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बिल्कुल मैचिंग मैचिंग। तो चलिए मामी तो चली गई हैं, और अभी सब लोग रेस्ट करने लगे हैं अंदर कमरे में, तो थोड़ी देर के बाद मैं यहाँ पर हूँ बाहर के रूम में, और रूम की हालत आप देख लीजिए, इतनी बुरी हालत हो रखी है। और ये कार्तिक ने अपनी साइकिल और नीचे ला कर रख दी है, अभी ये साइकिल में हवा डलवा के लाए हैं, वो बिल्कुल नई साइकिल है, इसने एक दिन नहीं चलाई है, इसने एग्जाम में अच्छी रैंक ली थी। तो जैसे हम लोग बोल देते हैं बच्चों को कि अगर आप ये पोजीशन लेकर आओगे तो आपको ये गिफ्ट मिलेगा, तो मैंने बोल दिया था आपको साइकिल मिलेगी। तो जिस दिन एग्जाम की मतलब रिपोर्ट कार्ड लेके आया तो घर में तो तब गुस्सा है, जब पहले बोल रहा था, और शाम को ही साइकिल लेने गया तो नई साइकिल आई है, और सबसे मतलब कोरोना आ गया इस बीच हमने फिर बाहर साइकिल नहीं चलाने दी। और इसके बाद अभी यहाँ पर बस फटाफट से मैं पूरा रूम सेट कर दूंगी, इन लोगों की सारी बॉक्स सब कुछ फैला ऐसे ही पड़ा रहेगा, सारी टेबल वेबल सब कमरे में ऐसे फैला रखा था, और थोड़ी सी सेटिंग हमने पापा जी की जो बरसी हुई थी उसमें चेंज कर दी थी। तो ये बेड तो उस दिन निकाला था लेकिन फिर तुरंत ही हमने रात को लगा भी दिया था अंदर रूम में, और आज मुझे यहाँ पर इसकी ये बेडशीट है इसे चेंज करना है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा दूसरी लगा दूंगी। एक्चुअली चेंज मतलब क्या कि इतने दिनों से बिछी हुई है, 8 दिन हो चुके हैं पूरा बेडशीट को बिछे हुए, तो फिर मैंने इसको हटा दिया है। और यहाँ पर बस फटाफट से पिलो कवर वगैरह लगाकर और रूम को कर दूंगी सेट एक बार। वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज दिन है फ्राइडे और डेट है 13 अगस्त, और मैं आप लोगों से मिल रही हूँ इवनिंग में, और अभी शाम के 6 बज गए हैं, ठीक 6 बज रहा है, और मैंने मॉर्निंग से आपके साथ बिल्कुल भी बात नहीं कर पाई थी, एक्चुअली मॉर्निंग थोड़ी सी बिजी हो गई थी, मामी एंड मामा जी चले गए हैं, और मम्मी आज बना रही है लौकी की बर्फी, और अभी मैंने सोचा चलो आपके साथ थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक्चुअली इवनिंग में पूरा घर मैंने एक जैसा कर दिया है, और इसके बाद अभी फ्री बैठी थी तो सोचा चलो आपके साथ थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और ये मैंने कल से लगाई हुई है बहुत बड़ी वाली बिंदी, इतनी बड़ी बिंदी मैं कभी नहीं लगाती हूँ, लेकिन मम्मी को मामी को सबको मेरे फेस पर ये वाली बिंदी बहुत अच्छी लग रही थी, सब लोग बोल रहे थे इतनी बड़ी बिंदी लगाया करो, इससे भी बड़ी बड़ी आती है हर कलर की।
तो चलिए अभी 2-1 दिन तो लगा कर रखूँगी, और जैसे ही चांस पड़ेगा तभी ये चेंज होने वाली है। तो क्या बोलते हैं, सॉरी, कभी कभी हो जाता है कि फ्लिप हो जाता है कि आपसे क्या बात कर रही थी। तो अभी शाम का टाइम है और आज का ये ब्लॉग मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया था, लेकिन मॉर्निंग से आपके साथ बात ही नहीं हो पाई, और आफ्टरनून में मैंने 30 का वीडियो एडिट किया है और आप लोगों के साथ शेयर भी कर दिया है, और अभी शेयर किया है 5 बजे लगभग। और अब जो वीडियो है मैं इवनिंग में ही शेयर कर पाती हूँ, क्योंकि आफ्टरनून में एडिटिंग करके फिर इवनिंग तक आपके साथ वीडियो शेयर कर देती हूँ। और आज का ही वीडियो है, कैसा रहने वाला है मुझे नहीं पता है, और क्या बोलूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। तो चलिए फ्रेंड्स, रात के 8 बज गए हैं और यहाँ पर मैं बना कर लेकर आई हूँ अभी डिनर। और आज डिनर बहुत सिंपल सा बना है, दही के आलू एंड रोटी। हमारे यहाँ का बहुत ही फेमस सब्जी है दही के आलू, जो कि खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, उनका टेस्ट अच्छा कर देते हैं। तो इनको जुकाम सा हो रहा था तो इन्होंने बोला कि दही के आलू खाने हैं, तो इनको दही के आलू बना दिए, और सब लोग ही खा लेंगे, फिर सबको ही घर में अच्छे लगते हैं। काव्या, कार्तिक, मम्मी को, सबको पसंद है। तो सिंपल सा डिनर बनाया है, और आज इवनिंग में ज़्यादा कुछ खास नहीं आया आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। और बच्चों ने लगा लिया है कार्टून, तो उसी की आवाज़ आप सबको बहुत ज़्यादा फ़ोन में सुनाई दे रही होगी। तो चलिए कर लेते हैं पहले डिनर, और मिलते हैं आपसे पास। मैंने इस वीडियो का एंड कल नहीं कर पाया था, तो सोचा चलो अभी आपके साथ नेक्स्ट डे थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। और अभी मैं फ्री हुई हूँ एक वीडियो शूट करके, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मेकअप किया हुआ है, और ये वीडियो आपको इस ब्लॉग से पहले मिल चुका होगा। तो ये मामा अर्थ फेस वॉश एंड फेस मॉइस्चराइज़र है, जो कि अमेजिंग प्रोडक्ट है। मुझे फेस वॉश बहुत 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 पसंद आया है, और मैं इसे एवरीडे यूज़ करने वाली हूँ। और आप लोगों को अगर ये प्रोडक्ट अच्छे लगे तो आप इसे वाई भी कर सकते हो, या फिर कौन कौन इसे यूज़ कर रहा है मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। और कल का दिन ठीक था, थोड़ा सा मामी वगैरह चली गई, तो होता है ना कि जब घर में कोई रहता रहे तो थोड़ा अच्छा लगता है, और फिर घर एकदम से खाली खाली हो जाता है। तो बस वही कल का दिन रहा मेरा, और इवनिंग में ज़्यादा कुछ करने के लिए था नहीं। दिन पता नहीं चला कहाँ जाता है, यही नहीं पता चलता है कि पूरा दिन कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत होते होते बस ऐसे ही हो गया। और आपके साथ मैंने नाइट में कुछ ज़्यादा शेयर ही नहीं कर पाया, सोचा था आपके साथ शेयर करूँगी लेकिन कुछ नहीं हो पाया। तो चलिए अभी आपको बाय बोल देती हूँ, और ये ब्लॉग आपको कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। थोड़ा सा भी पसंद आया हो वीडियो को लाइक कमेंट एंड